और जो शराबी थे उनके परिजन जो महिला थी पुलिस जीप पर ही हमला कर देती है। में चीना कोठी भी एक चिन्हित जगह था जहाँ पर की एक स्पॉट है और हम लोगों ने हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित कर रखा है पहले से ही। तो वहाँ से बरामदगी तो कुछ खास नहीं हो पाई है, लेकिन जो जो नशे के हालत में तीन व्यक्ति पकड़े गए हैं, तो पकड़े गए तो उसको पुलिस जब लेकर आ रही थी इसी क्रम में उनके द्वारा जो चीना कोठी में लोग हैं उनके द्वारा विरोध किया गया पुलिसकर्मी के साथ में कि आप उसको नहीं ले जा सकते। उसके बाद जब लौटने क्रम में उन्होंने गाड़ी पर पत्थर उत्थर चला दिया जिससे भी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो। ले जाने के जो विरोध प्रदर्शनकारी थे जिसने कि उसको विरोध किया था और उनके पथराव था किया गया जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई थी, तो हम लोग ने उसको डिटेन किया। डिटेन करने के बाद उन्होंने 5-6 लोगों की गिरफ्तारी ये डिटेंशन हुई है। हालांकि कल आप लोगों को जानकारी मिली भी होगी रात्रि में कि शाम देर संध्या का जो हम लोगों ने ऑपरेशन कर रखा था उसमें महिलाएं के द्वारा विरोध की जा रही थी उनके द्वारा कहीं। पटना SSP के आदेश पर इन दिनों पटना पुलिस काफी एक्टिव नजर आ रही है। आपको ताजा मामला बताते हैं, बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र का है जहां पर कि बीते रात बुद्धा कॉलोनी थाने की पुलिस ने एक वारंटी को पकड़ने जाती है और शराबियों को भी उसी दौरान टेस्ट ड्राइव में पकड़ती है। उसी दौरान आपको बता दें कि चीना कोठी जब बुद्धा कॉलोनी थाना की पुलिस तीन शराबियों को पकड़ती है, पकड़ने के पश्चात अपने पुलिस जीप में उसे बैठाती है, तो जो शराबी थे उनके परिजन जो महिला थी पुलिस जीप पर ही हमला कर देती है, जिसके पश्चात पुलिस जीप का शीशा चकनाचूर होता है और उसी क्रम में किसी बस पटना पुलिस के जो कर्मी होते हैं उन तीनों शराबियों को अपने बुद्धा कॉलोनी थाना लाते हैं। हालांकि आपको बता दें कि तीनों शराबियों को गिरफ्तार करके विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है और जिस महिला ने पुलिस जीप पर हमला किया था उन तीन छह महिलाओं को पकड़ करके हिरासत में रखा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर DSP कृष्ण मुरारी प्रसाद, जरा देखें। देखिए, एक समकालीन विशेष अभियान के तहत हम लोग ने NDPS या फिर मद निषेध जिसमें कि हम लोग नशाखोरों का जो भी मामले हैं सभी के विरुद्ध में हम लोग ने कार्रवाई कर रहे थे। कल देर शाम तक इसी कार्रवाई चली। हालांकि परसों भी हम लोगों ने ड्रोन का उपयोग करके मद निषेध विभाग का उपयोग हम लोग मदद लिया था और कोतवाली थाना क्षेत्र में कराया था, उसमें कुछ रिकवरी हुई थी और अरेस्टिंग भी हुए थे। तो कल इसी कड़ी के आधार पर हम लोगों ने कल चूंकि पूरे जिले में था SSP सर का विशेष रूप से ये था कि विशेष संपर्क अभियान चलाई जाए और दुर्गा पूजा को लेकर के ही मूल रूप से काम चल रही थी। इसी क्रम में चीना कोठी भी एक चिन्हित जगह था जहाँ पर कि एक स्पॉट है और हम लोगों ने हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित कर रखा है पहले से ही। तो वहाँ से बरामदगी तो कुछ खास नहीं हो पाई है, लेकिन जो नशे के हालत में तीन व्यक्ति पकड़े गए हैं, तो पकड़े गए तो उसको पुलिस जब लेकर आ रही थी इसी क्रम में उनके द्वारा जो चीना कोठी में लोग हैं उनके द्वारा विरोध किया गया पुलिसकर्मी के साथ में कि आप उसको नहीं ले जा सकते। उसके बाद जब लौटने क्रम में उन्होंने गाड़ी पर पत्थर उत्थर चला दिया जिससे भी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि हम लोगों ने तीनों जो बकरी व्यक्ति जो पकड़ाए थे सभी व्यक्तियों को हम लोगों ने हिरासत में ले लिया था और उसकी जाँच भी कराई गई, सब में शराब या नशे की पुष्टि हुई है, चाहे नशा जिस भी प्रकार का रहा हो लेकिन नशे की पुष्टि उसकी हुई है। उसी क्रम में चूंकि यह उनको जब ले जाने के जो विरोध प्रदर्शनकारी थे जिसने कि उसको विरोध किया था और उनके पथराव था किया गया जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई थी, तो हम लोगों ने उसको डिटेन किया। डिटेन करने के बाद उन्होंने 5-6 लोगों की गिरफ्तारी ये डिटेंशन हुई है। हालांकि कल आप लोगों को जानकारी मिली भी होगी रात्रि में कि शाम देर संध्या का जो हम लोगों ने ऑपरेशन कर रखा था उसमें महिलाएं के द्वारा विरोध की जा रही थी उनके द्वारा कहीं कहीं पत्थर फेंकी गई हो, उसी में से 5-6 आज महिलाएं का डिटेंशन हुआ है। हम लोग आगे विरोध कार्रवाई कर रहे हैं। तो कुल तीन शराबी पकड़े गए और जो 6 महिलाएं हैं आज सुबह पकड़ी, आज उनकी डिटेंशन हुई है और उनकी भूमिका के संबंध में हम लोग और भी आगे काम कर लेते हैं। जो विधि सम्मत कार्रवाई है, चाहे नोटिसबल हो गई या फिर उनको रिमांड करना होगा, जिस पर जो फीट होगा हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। देर रात पुलिसकर्मी पे जब हमला हुआ तो कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। अब मैं आपको पहले ही बताया है कि जब पुलिसकर्मी गाड़ी में बैठ करके ले जा रहे थे तो उसने पत्थर पीछे से फेंका, तो पुलिसकर्मी घायल होने की इसमें नहीं बातें हैं, लेकिन वाहन क्षतिग्रस्त हो। तो जाहिर सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर DSP कृष्ण मुरारी प्रसाद ने साफ तरीके से कहा है कि पुलिस पर हमला किया जिन महिलाओं ने उन्हें
विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है और तीनों जो शराबी थे उन्हें पकड़ करके जेल भेजा जा रहा है। आखिरकार इन जो महिलाएं थी पुलिस जीप पर हमला क्यों की थी, इसकी पूरी तरीके से अब जांच में पटना पुलिस लग चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता नजर आ रहा है कि लगातार बिहार में शराबबंदी के बाद शराबी और शराब तस्कर एक्टिव हैं और खुलेआम शराब तस्करी को अंजाम देते नजर आते हैं और वहीं पर पटना पुलिस पर लगातार हमले के जो वारदात हैं नजर आ रहे हैं। अब इसमें देखना यह होगा कि पटना पुलिस इस पर क्या विशेष कार्रवाई करती है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे NBC 24 सहयोगी राहुल के साथ मैं अजय शर्मा।